हेलो, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मूल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के हर चैप्टर में न्यूमेरिकल में काम में आता है। स्पेशली अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो मूल कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। मूल कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल में यहाँ जितने सारे नाम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी ले लो, जर्मेनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, एनीथिंग, एवरीथिंग, यहाँ जो भी दिखता है ये एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब सोचोगे मैटर क्या है, ये आप लोग बेसिक नॉलेज से पहले से जानते हो। मैटर वो सारे चीज है आपके आसपास जिसका कोई मास हो, कोई वॉल्यूम हो और जिसको आप लोग फील कर पाए। मैं, तुम, टेबल, चेयर, पंखा, दीवार, सब कुछ मैटर है। इसका मतलब हर एक मैटर एलिमेंट से बना होता है। एलिमेंट या तो प्योरेस्ट प्योर फॉर्म में रहेंगे या फिर एक दूसरे के साथ मिक्स होके कंपाउंड बना देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो हम लोग का डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट आपस में मिलकर बना देता है। सो एलिमेंट्स आर मिक्स टूगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। सो एलिमेंट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। अब ये एलिमेंट, डाल्टन ने क्या कहा कि एलिमेंट को अगर तोड़ते जाओ तो जो सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल बनेगा वो एटम होगा। तो एटम क्या होता है, चलो मैं दो तीन एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ओके, और आप ले सकते हो क्लोरीन, और मैं ले रहा हूं आयरन। सपोज ये तीन एलिमेंट्स, तो इन तीनों को जब भी हम लोग तोड़ते जाएंगे सबसे छोटा जो एलिमेंट मिलेगा वो होगा इसका एटम। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है और ये फिर आयरन का एटम। एटम जो होता है इसमें एक चीज याद रखना, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये किसी फ्री फॉर्म में रहेगा तो रिएक्ट कर जाएगा। तो जो पोर्शन, जो स्मॉलेस्ट पार्ट किसी एलिमेंट का फ्री या कंपाउंड का फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है उसी को कहा जाता है मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल एलिमेंट और कंपाउंड मैंने यहां दोनों बोला क्योंकि देखो एलिमेंट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे दो एटम आपस में मिल के रहते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, और एज ए होल इसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। उसी तरह क्लोरीन और क्लोरीन का एक एक एटम आपस में मिलके रहता है और इसे हमें क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल कहते हैं। कितने सारे एटम आपस में मिलके रहेंगे ये हम लोग फोर्थ चैप्टर एट बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग का और भी, जैसे ओजोन O3, इसमें तीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड रहते हैं। सो दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल। तो ये हो गए सारे प्योर एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल। इसी तरह कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl एसिड, इसमें H का एक एटम और Cl का एक एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है ऑफ कंपाउंड। सो कंपाउंड के केस में एटम बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल ही होगा क्योंकि कंपाउंड एक से ज्यादा एटम, डिफरेंट डिफरेंट एटम आपस में मिक्स होकर बनता है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। एटम का डेफिनेशन अगर बोलने जाओ, द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ रिएक्शन बट कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री फॉर्म इज कॉल्ड एटम, बट मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म। ओके, सो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो एवोगाड्रोस नंबर क्या है बाद में समझते हैं। उसके बाद आप जो एलिमेंट्स देख रहे हो पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो है ना, ये इसका एटॉमिक नंबर है और यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक मास है।
एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल में इसे अरेंज किया जाता है। और एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा है, ग्राम केजी नहीं लिखा है, एक नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा एटॉमिक नंबर हमें जानना है। तो एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास क्या होता है, ये एक नंबर है, एटॉमिक मास कोई ग्राम केजी नहीं होता, इट इज अ नंबर। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि जो एटम हम लोग देख रहे हैं वो कितना टाइम्स हेवियर है C12 एटम के, एक एटम के 1/12 पार्ट से। सो ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसे मैं अगर समझाऊं तो सपोज करो कि ये हमारा एक वेट मापने वाला मशीन है और यहाँ एक स्केल है, यहाँ पे मैंने ले लिया है C12 एटम था, इसका 1/12 पार्ट को काट के मैंने यहाँ ले लिया है, ये 1/12 पार्ट है इसका। और यहाँ पे सपोज करो मैं फ्लोरीन के एक एटम को ले रहा हूँ और उसके बाद ये मेजर करके देखता हूँ कि ये इससे कितना टाइम्स हेवियर है, तो पता चलता है कि ये 35.5 टाइम्स हेवियर है। इसका मतलब फ्लोरीन का एक एटम C12 के 1/12 पार्ट से 35.5 टाइम्स हेवियर होता है। दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एटॉमिक मास का वैल्यू जो होता है कुछ तो हम लोग को याद रखना चाहिए, एटॉमिक नंबर अगर याद है तो, अदरवाइज एग्जाम में दिया रहता है, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे कुछ है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, एटॉमिक मास को सम कर देने से मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, देख लो, दो हाइड्रोजन है, एक एक का एटॉमिक मास 1 है और एक ऑक्सीजन है और उसका एटॉमिक मास 16 है, सो इट इज 2 + 16, दैट इज इक्वल टू 18। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 into 2, this is 44, and similarly for methane, CH4, iska 12 aur hydrogen ka 1, so which is 16. So this is the way we can calculate not atomic number but mass number, sorry molecular mass. Okay, अब हम लोग आते हैं मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक पे। तो मोल वर्ड का मतलब क्या है, आप 7 फंडामेंटल यूनिट जानते हो, वहां पे मोल को यूज किया जाता है एज अ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मेजर करने का जो फंडामेंटल यूनिट होता है, ऐसा यूनिट दैट इज कॉल्ड मोल। मतलब किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं हम लोग मोल में, इसका मतलब मोल जो है वो ग्राम में भी हम लोग बोल सकते हैं अगर मास मेजर कर रहे हैं तो, अगर वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो हम लोग इसको लीटर में भी बोल सकते हैं, दैट इज इसको हम लोग वॉल्यूम के लिए भी मेजर कर सकते हैं, या फिर मोल को हम लोग नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब मोल जरूरी नहीं है ग्राम में हो, वो लीटर में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है। ओके, इसको थोड़ा हम लोग क्लियरली देखेंगे। तो एवोगैड्रो ने इसी बारे में बताया था कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को ले ले, सब्सटेंस का मतलब उसका एटम ले या मॉलिक्यूल ले ले, ठीक है, और उसका क्वांटिटी अगर 1 मोल हो, ठीक है, अगर उसका क्वांटिटी 1 मोल के बराबर हो तो उसके अंदर जो पार्टिकल होता है वो इतना होता है, इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया था। सो ये जो होता है ये है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contain Avogadro's number times of particle. What is particle Avogadro's number? It is 6.022 × 10³ particle. मैंने यहाँ वेग टर्म यूज किया है, जैसे कि सब्सटेंस एंड पार्टिकल, इसको क्लियरिफाई अभी हम लोग करेंगे, सब्सटेंस और पार्टिकल की जगह क्या क्या हो सकता है। पहला एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर
हम लोग एटम के बारे में बात करें, ठीक है। ऑक्सीजन, अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या होता है, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का अलग अलग एटम भी होता है। ये एक एटम है ऑक्सीजन का और ये एक एटम है, ये दोनों एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया। तो अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब होगा 1 मोल ऑक्सीजन एटम में एटम का संख्या हो जाएगा 6.022 × 10²³ एटम्स। और अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। एम आई क्लियर? जब हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल काउंट होता है, जब हम लोग एटम बोलते हैं तो उसमें एटम काउंट होता है। थोड़ा सा और इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझो चीजों को। एवोगैड्रोस नंबर पहले क्लियर हो जाना चाहिए, थोड़ा और इसको आगे लेके बढ़ते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब लिखा था मैंने 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल। अब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का था उसमें दो एटम होते थे, तो अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एटम में अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? 6.022 × 10²³। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स थे? दो एटम थे, तो यहाँ पे मैं सिंपली इंटू टू एटम्स कर सकता हूँ, है कि नहीं कमाल का बात? माई क्लियर? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। CH4 कैसा दिखता होगा? एक C का एटम होता होगा और 4 H का एटम होता होगा इससे जुड़ा हुआ, ऐसा दिखता होगा। तो अगर मैं बोलू 1 मोल ऑफ CH4, यहाँ मॉलिक्यूल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ना, एक कंपाउंड है, एटम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 मोल ऑफ CH4 इसका मतलब है 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। अब अगर इसमें तुमसे कोई पूछ दे कि कितना सारा एटम हाइड्रोजन का होगा और कितना सारा एटम कार्बन का होगा 1 मोल CH4 में, तो 1 मोल CH4 में हम लोग क्या बोल सकते हैं? पहले एक एटम मॉलिक्यूल के बारे में बोलो। एक मॉलिक्यूल CH4 में कार्बन जो होता है वो 1 होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो 4 होता है एक मॉलिक्यूल में। तो 1 मोल में क्या करना है हमें? बस एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। माय क्लियर? तो इतना सारा एटम हो जाएगा कार्बन का और इतना सारा एटम हो जाएगा हाइड्रोजन का। आई होप पार्टिकल ऑफ और मोल में जो रिलेशन है ये क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो फिर से पूछना। सो मोल कॉन्सेप्ट को अब मैंने यहाँ पे थोड़ा और वे से दिखा दिया है। एवोगैड्रोस लॉ चलो यहाँ पे भूल जाओ, उसको बताते हैं बाद में। अब याद रखना कि ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। सो थोड़ा सा इसको हम लोग फिर से देखेंगे। देखो अगर मैं लिखा, अभी मैंने बताया था कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, 1 × 2 और ऑक्सीजन का 16 विच इज इक्वल टू 18। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि एटॉमिक मास का यूनिट नहीं था, मॉलिक्यूलर मास का भी कोई यूनिट नहीं होता। जैसे ही तुम यहाँ पे, ये इसका मॉलिक्यूलर मास था, जैसे ही इसके साथ ग्राम लगा देते हो तो ये बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। Am I clear? Similarly, हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। जैसे ही मैंने यहां ग्राम लगाया यहां पे ग्राम बैठ जाए। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम।
सामने कुछ नहीं है तो मैं यहाँ वन बैठा सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ इसको कैसे रीड कर सकते हैं आप, एक बार अच्छे से रीड करो। तो अब हम इसे रीड कर सकते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम एंड 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। ये 1 ग्राम जो भी चीज आएगा ये जितना होगा ये 1 मोल के बराबर होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स 1 मोल, 1 ग्राम एटॉमिक मास मीन्स 1 मोल। डोंट कंफ्यूज, यहाँ एटॉमिक मास भी 1 मोल हुआ, मॉलिक्यूलर मास भी 1 मोल हुआ, क्योंकि अभी हमने देखा था मॉलिक्यूल को भी हम लोग क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटम को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 मोल जो होता है उसको हम लोग एटम मॉलिक्यूल ग्राम में भी कन्वर्ट करते हैं। सो इसी चीज को यहाँ पे देखो, पहला चीज जो है 1 मोल अगर हम लोग एटम के लिए ये बात कर रहे हैं, एटम्स के लिए बात कर रहे हैं प्योर एलिमेंट में, सो 1 मोल का मतलब हो जाता है 6.022 × 10²³ नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने एटम के बारे में बात किया तो एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं, और 1 ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल, ये आपस में रिलेट हो। क्लियर? जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर कितना हो जाएगा, 6.022 × 10²³ एटम्स, विच इज इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास, विच इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज 16, सो ग्राम में कन्वर्ट कर 16 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का ये सारा मतलब है। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अगर मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात करें, एटम को छोड़ दो, अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग बात करें, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। कंपाउंड जैसे कि H2O, CO2, ठीक है, CH4 एक्सेट्रा, और एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे मॉलिक्यूल एलिमेंट्स हैं। तो 1 मोल का मतलब अभी हमने पढ़ा था एवोगैड्रोस नंबर टाइम ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये भी इसके बराबर हो। इसको देख लेते हैं, अभी हमने देखा दैट 1 मोल CH4 इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स एंड विच इज इक्वल टू, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, 16 आया था, देखो 12 + 4 = 16, that is equal to 16 gram of CH4. I hope it is clear. Similarly, ये formula mass क्या होता है? Ionic compound के लिए होता है, इसको रहने दो, नहीं समझ में आएगा, इसको बाद में जब जरूरत होगा मैं बताऊंगा। Next है volume concept. This is very important. ये याद रखना, at STP, standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure is, temperature is 298 Kelvin. एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर ये सिचुएशन है तो कोई भी गैस, हाँ गैस के लिए ही ये वैलिड होता है, कोई भी गैस एसएसटीपी पे उसका 1 मोल का वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर ही होगा। ये प्रूफ एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस लॉ का एप्लीकेशन है, ये प्रूफ करके आता है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कॉन्टेन volume equal to 22.4 liter and which is equal to molar mass. Molar mass means gram mein convert kar do molecular mass ko, that is molar mass. For example, 16 gram of oxygen is equal to, agar main molecule oxygen molecule le raha hu to 32 gram ho jayega, hai na, kyunki molecular mass of oxygen is 32 gram is equal to 1 mole of oxygen molecule which is equal to 22.4 liter at STP. Okay, I hope mole concept clear हुआ होगा, अगर कुछ doubt हो मुझसे पूछ सकते हो।